डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के कितने भी वादे कर ले, सरकारी वादों के बाद भी प्रदेश में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद उधम सिंह नगर में आधार कार्ड बनाने के नाम पर 100 रुपए की वसूली हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाने की बात करने वाली भाजपा सरकार के अधिकारियों को आधार कार्ड के नाम पर हो रही अवैध वसूली दिखाई ही नहीं दे रही। शायद इसलिए आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण कागज को बनाने के बदले में आम जनता को प्रति आधार कार्ड 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जनपद की किच्छा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में निजी संस्था द्वारा आधार कार्ड कैंप लगाकर छोटे बच्चों के नए आधार कार्ड एवं बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है। निजी संस्था द्वारा नए आधार कार्ड बनाने में बायोमेट्रिक अपडेट के नाम पर प्रति कार्ड 100 रुपए वसूली की जा रही है, जिसके बाद कुछ जागरूक लोगों ने इसका विरोध किया तो संस्था द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद ये पूरा मामला किच्छा SDM कस्तूभ मिश्रा के पास पहुंचा, जहां SDM फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की बात कह रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है शिकायतकर्ताओं का और इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ कह रहे हैं SDM कस्तूभ मिश्रा, सुनिए। और पे लिए हैं, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चों के, 1 बच्चे के 100 रुपए लिए, दोनों बच्चों के 100 रुपए लिए, मतलब 2 के 200 रुपए लिए। अच्छा, आपसे क्या कहा उन्होंने? सारा कुछ हम अपने आप आधार कार्ड में हम अपना बना के देंगे, यहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आधार कार्ड वो प्रिंट करके देंगे? हाँ, सब कुछ देंगे। अच्छा, सब कुछ वही देंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? मैं रामा देवी। बच्चों का नाम क्या है आपके? एक हिमांशु। हाँ, खुशहाल। ठीक है, 5 साल का है वो, आधार कार्ड का भी नहीं हुआ है। अच्छा, कितने रुपए लिए गए आपसे पर आधार कार्ड? 100 रुपए। 1 आधार कार्ड के 100 रुपए, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि। बच्चों का नाम क्या है जिनके आधार कार्ड बनने थे? एक का नाम यथार्थ है, एक का नाम वैदिक। अवैध वसूली संबंधी कोई ऐसा तथ्य नहीं संज्ञान में आया, अभी आपके द्वारा बताया जा रहा है। जो माता पिता जो भी कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं, बीत जो फीस है उससे अधिक कहीं कोई अगर कोई भी किसी ने किसी के द्वारा इस प्रकार काम किया है, अच्छे तौर से कड़ी से कड़ी कर रही होगी। ऐसा नहीं, ये डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को सुरक्षित दिया गया है कि इस बात को वेरीफाई कर लें। किसी भी स्थिति में जो भी शुल्क से अधिक 1 रुपये जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, निश्चित तौर से।